Good morning, children. Welcome to the Hindi class. Today we will learn how to make sentences. वाक्य कैसे हिंदी में बनाने चाहिए. बच्चों, आपने मेक सेंटेंस इंग्लिश में सीखा है, हिंदी में उसे वाक्य बनाओ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वाक्य बनाओ. वाक्य मीन्स सेंटेंस, बनाओ मीन्स मेक. मेक सेंटेंस, वाक्य बनाओ. से विद मी, मेक सेंटेंस, वाक्य बनाओ. ठीक है. अब वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? एक बच्ची ने मुझे डाउट रिमूवल क्लास में बोला था कि उसको आता नहीं है कि कैसे मेक सेंटेंस किया जाए, कैसे वाक्य बनाया जाए. बेटा, जो वर्ड आपके पास है, जो शब्द आपके पास है, कोई भी शब्द, उसके बारे में आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, वही आपको आपका सेंटेंस बन जाता है. जैसे हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सपोज हमने ले लिया यहाँ पर, अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अभी आप मेरी बात सुनेंगे. ठीक है. हमने एक वर्ड ले लिया सफ़ेद. सफ़ेद मीन्स वाइट. अब ये वर्ड हमको मैम ने दे दिया, अब हम व्हाइट या सफेद के बारे में क्या बोले? तो मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं बोल दूं कि सफेद हंस सफेद रंग का होता है. हंस, देखा ना, हंस बर्ड सफेद रंग का होता है. चलो ठीक है, एक बच्चे ने ये बना लिया. ठीक है, ये सेंटेंस बन गया, हंस सफेद रंग का होता है. अब दूसरे बच्चे के मन में आया कि इसने तो सफ़ेद रंग का हंस होता है बता दिया, अब मैं क्या बताऊँ सफ़ेद के बारे में. तो उसको याद आया कि उसके पास एक अच्छी सी फ्रॉक है, वो सफ़ेद रंग की है. तो उसने बनाया सेंटेंस, मेरे पास सफ़ेद रंग की सुंदर फ्रॉक है. ठीक है. जो आपके मन में उस वर्ड के बारे में विचार आ रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, बस उसी को आपको सेंटेंस बना देना है. ठीक है. जैसे अभी मेरे पास मैम ने वर्ड दिया पेंसिल. पेंसिल, पेंसिल के बारे में मैं क्या बोलूं? मेरे पास मेरे बॉक्स में दो पेंसिल हैं, तो मैं बोल देती हूं कि मेरे पास दो पेंसिल हैं. ठीक है, ये बना दिया. अब दूसरे बच्चे ने सोचा कि मैं पेंसिल के लिए क्या बोलूं, तो उसने बोला मेरी पेंसिल टूटी हुई है. तो मैं ये बोल देता हूँ, मेरी पेंसिल टूटी हुई है. ठीक है, उसका ये सेंटेंस बन गया. अब तीसरे बच्चे ने सोचा पेंसिल के बारे में क्या बोलें, क्या बोलें पेंसिल के बारे में. तो उसने बोला कि मेरे पिताजी ने, पिताजी मीन्स फादर, मेरे पिताजी ने कल मुझे पेंसिल खरीद कर दी. ये उसने बना दिया सेंटेंस. तो इसी को सेंटेंस बोलते हैं, जो आपके मन में उस शब्द के बारे में विचार या थॉट आता है, उसी का आप सेंटेंस बना देते हैं. लेकिन सेंटेंस जब हम लिखते हैं, वो करेक्ट वे में लिखा होना चाहिए और उसमें मात्रा की गलती या शब्दों का आगे पीछे गलत तरीके से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए. अभी आप नहीं समझेंगे, आप जब थोड़ी और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप समझेंगे कि हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखने हैं और साथ में सेंटेंस का वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, वो सही ढंग से व्यवस्थित होने चाहिए, अरेंज्ड होने चाहिए. ये नहीं कि पीछे का शब्द आगे और आगे का पीछे, या मात्रा की गलती, ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब ये हमारे पास शब्द है जोकर, तो मैम ने बना दिया जोकर उछल रहा है. सर्कस में जोकर उछलता है ना, तो ये सेंटेंस वाक्य बना दिया, जोकर उछल रहा है. दूसरा है पौधा, गमले में पौधा लगा, गमले में पौधा लगा. ठीक है. पंखा, पंखा चल रहा है, या हम ये भी लिख सकते हैं मेरा पंखा खराब है, या ये भी लग सकता है मेरे पास एक ही पंखा है.
है ना, कई तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं। पौधा में हम लिख सकते हैं माली पौधा लेकर आया, माली गुलाब का पौधा लेकर आया, माली आम का पौधा लेकर आया, मेरे घर में आम का पौधा है ना। सूंड, सूंड किसकी होती है, किस एनिमल की होती है, हाथी की होती है, तो हमको हाथी के बारे में बोलना है। हाथी ने सूंड उठाई, हाथी सूंड से बहुत सारे काम करता है, तो हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पर अभी जो मैम ने बनाया वही आप लिखेंगे, दूसरे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको अभी ठीक से शब्द लिखने नहीं आते, तो आपको यही वाले सेंटेंस याद भी करने हैं और मात्रा भी लगानी सीखनी है, ठीक है। पतंग, आसमान में पतंग उड़ा, आसमान में पतंग उड़ा, मेरे पास रंग बिरंगी पतंग है, छोटू की पतंग बहुत सुंदर है, या आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, बॉबी ने पतंग का नाम सुंदरी रखा, है ना, आप लिख सकते हो। लेकिन अभी आपको बहुत लिखना नहीं आता, तो अभी जो मैम ने सेंटेंसेस बनाए उसी को पढ़िए और उसी को लिखने लिखिए, ठीक है। कौवा काव काव करता है, कौवा काव काव करता है, ये काव काव उसकी आवाज है। कौवा ये भी लिख सकते हैं, काले रंग का होता है। मेरे घर की मुंडेर पर कौवा बैठा है, ठीक है। तो जो आपके थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसी का आप वाक्य बनाएंगे, पर अभी नहीं बनाएंगे। अभी आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो अभी जो मैम ने बनाए हैं वही आप लिखिए और देखिए कि उसको कैसे लिखना है ना, मात्रा कहाँ कैसे लगानी है। सो चिल्ड्रन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट हिंदी क्लास, और नेक्स्ट हिंदी क्लास में हम लोग चंद्र बिंदु मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे बाय बाय।